राइट ट्राइंगल की अगर हम बात करते हैं तो एक राइट ट्राइंगल में परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज और एक एंगल, जिसको हम थीटा बोलते हैं। इन सब के बेसिस पर हमने अपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन, ठीक है। यूजुअली अगर परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज में से कोई दो वैल्यू गिवन होती है तो हम तीसरी निकाल पाते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, राइट। लेकिन अब क्या होगा, अब क्योंकि आपको ट्रिग्नोमेट्री आ गई है थोड़ी सी, तो अब क्या होगा, अब इन तीनों में से परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज में से अगर दो चीजें दी होगी, अगर दो गिवन चीजें होंगी, तो आप ये तीन एंगल्स हैं हमारे पास, ये तो हमें पता है 90 होता है, एंगल 1 और 2 दोनों निकाल भी पाओ। कैसे निकाल पाओगे? सपोज कि ये आपको दिया हुआ है 2 और ये आपको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर यूनिट्स कुछ भी कहे, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे कि साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, 1/2 अपॉन 4, 1/2 आ गया, और 1/2 कौन सी वैल्यू होती है साइन की, साइन 30। तो यहाँ पर अगर मैं आपको कहता हूं कि साइन थीटा की वैल्यू 1/2 है तो आप कहोगे कि थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्रीज आ जाता है तो ये दूसरा एंगल तो आप एंगल सम प्रॉपर्टी से भी निकाल सकते हो, या फिर इस पर आप अलग से कॉस लगा सकते हो। अगर ये इसको मैं थीटा 2 बोल दूं तो मैं ये भी तो कर सकता हूँ ना कि कॉस थीटा 2 विल बी इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब 2/4 मतलब 1/2, तो थीटा 2 की वैल्यू 60 डिग्री आएगी। हाँ, निकालना क्यों निकालना पड़ेगा सर, इस थीटा 2 एंगल के लिए तो यही बेस होता है, दिस विल बी बेस। तो बेसिकली अगर आपको कोई भी दो वैल्यू, ट्राइंगल की डायमेंशंस, लेंथ की कोई भी दो वैल्यूज गिवन है तो आप सारे एंगल्स निकाल, राइट। अगर हमें कोई एक वैल्यू, जैसे कि वृद्धि ने एक क्वेश्चन दिखाया था कि हमें एक ट्राइंगल के अंदर ये वाली डायमेंशन 5 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है, और ये वाला एंगल 30 डिग्री गिवन, तो ये हमें पता है ऑलरेडी ये 90 डिग्री हो, ठीक है। तो एक ट्राइंगल के अंदर हमें कोई भी दो चीजों की रिक्वायरमेंट, या तो दो लेंथ हो जाए या फिर एक लेंथ और एक एंगल हो जाए, तो हम बाकी सब निकाल सकते। कैसे निकालेंगे? अगर मुझे लेट से पहले हाइपोटेन्यूज निकाल, तो हाइपोटेन्यूज इज व्हाट, एसी है यहाँ पर, और मुझे जो गिवन एंगल है 30 डिग्री, इसको मैं थीटा मान। अब मुझे इस 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में क्या गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है मुझे, तो अगर मुझे हाइपोटेन्यूज निकालना है और मुझे परपेंडिकुलर गिवन है तो आई नो कि आई कैन यूज साइन थीटा जो कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। थीटा की वैल्यू अगर 30 डिग्री है, परपेंडिकुलर 5 है, तो हाइपोटेन्यूज ऐसे लिखेंगे, तो इसको ऊपर ले गए इसको नीचे, हाइपोटेन्यूज हमारा एसी है 5, या इसको ऐसे करने की पहले सॉल्व कर लेते हैं, साइन 30 क्या है हमारा, 1/2 इज इक्वल्स टू 5/AC, तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। से। अब तीसरी साइड बची है वो आप पाइथागोरस से भी निकाल सकते हो। पाइथागोरस अब मुझे थोड़ा सा लंबा मेथड लगेगा क्योंकि मुझे ये चीज आती है, तो मैं बहुत आसानी से दिस इज व्हाट, दिस इज बेस, और बेस के अलावा मुझे परपेंडिकुलर भी पता है और मुझे हाइपोटेन्यूज भी पता है, तो कुछ भी लगा, लेट से tan 30 लगा। tan 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है हमारा AB/BC, tan 30 की वैल्यू 1/√3, AB की वैल्यू 5, BC की वैल्यू पता करनी है,
तो बीसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5√3 सेंटीमीटर। इसको और सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की मदद से किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हमें कोई भी दो वैल्यूज पता है, दो साइड्स या एक एंगल एक साइड पता है, तो हम बाकी सब कुछ निकाल, ठीक है।